ओशो एक बार अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। एक गांव में सुबह सूरज निकला था और एक घुड़सवार आकर के रुका गांव के बाहर, गांव के द्वार पर। द्वार पर बैठे एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया है और नए गांव की तलाश में हूँ, जहाँ निवास कर सकूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव कैसा है। अगर अच्छे होंगे तो मैं यहाँ बस जाऊँगा। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस गांव के लोगों को आप छोड़े हैं, जिस गांव से आप आए हैं, उस गांव के लोग कैसे थे? ये बात सुनते ही वो आदमी क्रोध से, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा कि उस दुष्ट गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं नहीं मिल सकते हैं, उन्हीं दुष्टों के कारण मैंने उस गांव को छोड़ दिया है। और ये आशा प्रार्थना करके उस गांव को छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसका फल उन्हें निश्चित ही चखना ही होगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर आप क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूँ कि इस गांव में मैं यहाँ 70 वर्षों से रह रहा हूँ, इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं, आप और कोई गांव खोजिए, इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। घुड़सवार जा भी ना पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर के रुकती है और उसमें सवार एक आदमी पूछता है कि बाबा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं, मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े संयोग की बात है, अभी मैं इसका उत्तर ही दिया हूँ लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया। उस घुड़सवार के आँखें खुशी से आंसुओं से भर आईं, उनकी स्मृति में भी मुझे आनंद से भर देती हैं, उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से न मिले। दुर्भाग्य मेरा है कि मैं किसी मुसीबत में मुझे ये गांव छोड़ना पड़ा और ये आशा लेकर के छोड़ा हूँ कि जब कभी भी सौभाग्य से मैं वापस होगा तो मैं उसी गांव में जा कर के बसूंगा। कैसे हैं इस गांव के लोग? उस बूढ़े ने कहा बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़िए, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 70 वर्षों से इस गांव में रह रहा हूँ, यहाँ से प्यारे, यहाँ से अच्छे लोग इस पृथ्वी पर कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। मैं उस गांव के दरवाजे पर खड़ा था और मैंने उस बूढ़े आदमी को ये दोनों बातें सुनी, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक थी। पहले आदमी से उसने कहा था कि इससे बुरे आदमी कहीं नहीं, खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, और दूसरे आदमी से उसने कहा कि इस गांव से अच्छे आदमी खोजना कठिन है। जब वो बैलगाड़ी भीतर चली गई तो मैंने उससे, उस बूढ़े से आदमी से पूछा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया, इस गांव के लोग आखिर हैं कैसे? उस बूढ़े ने कहा हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसा आप होते हैं, गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नर्क हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है।